तो ये बहुत कंफ्यूजन थी लोगों के मन में कि भाई सीबीओ का इस्तेमाल किया जाए या फिर एडसेट बजट का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, यानी कि क्या बेटर वर्क करता है, हमारे लिए सीबीओ वर्क करेगा या हमारे लिए एडसेट बजट वर्क करेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले उस पर बात करेंगे कि दोनों है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, या फिर मैं डिफरेंसेस आपको बता दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या यूज़ किया है और क्या रिजल्ट रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे लिंक दे रखा है फेसबुक ग्रुप का, ठीक है, एक अपन लोग का प्राइवेट ग्रुप है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और प्लस आप लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीबीओ की कि आखिर सीबीओ होता क्या है, ठीक है। पहले सीबीओ में समझा देता हूँ एक बार आसान भाषा में कि सीबीओ है क्या। लेट सपोज कि आपने एक सीबीओ कैंपेन बनाया जिसके अंदर आपने तीन एडसेट रखे हैं, ठीक है, ये है एडसेट वन, ठीक है, दिस इज योर एडसेट वन। उसके बाद आपने एक और कैंपेन बनाया, ये रहा आपका एडसेट टू और ये रहा आपका एडसेट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक सीबीओ कैंपेन के अंदर तीन एडसेट बना दिए हैं। अब मान लो कि आपने इस सीबीओ कैंपेन को बजट दिया है, ठीक है, 1000, लेट सपोज 800 रुपीज का आपने बजट दिया है, ठीक है, आपने 800 का बजट दिया है। अब यहाँ पर फेसबुक क्या करने वाला है, फेसबुक इस 800 को डिवाइड करेगा इन तीन एडसेट के अंदर, ठीक है, जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल नहीं रहता है ऑलमोस्ट वो। हाँ, अगर आपने मान लो कि एडसेट में आपने लिमिट लगा रखी है कि भाई ये वाला एडसेट इतने रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च करेगा, ये वाला इतने रुपए से ज़्यादा नहीं खर्च करेगा और ये इतने से नहीं खर्च करेगा, तो फिर वो उस हिसाब से काम करेगा। जैसे मान लो कि आपने इसमें लिमिट लगा दी कि भाई ये 300 से मत खर्च करना ज़्यादा, इसमें लगा दी ये भी 300 और ये 200, ठीक है, तो फेसबुक इतना इतना बजट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन जब आप वो चीज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या करेगा फेसबुक, फेसबुक ये जो 800 रुपये है, ये 800 रुपये इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा, यानी कि 800 में डिवाइड कर देगा इन तीनों के लिए। उसके बाद जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसमें फेसबुक ज़्यादा पैसे लगाएगा, जो कम परफॉर्म कर रहा होगा उसमें कम लगाएगा और जो और कम कर रहा होगा उसमें और कम लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखोगे, अगर आपने ऐड चला रहे हो आप काफ़ी टाइम से, तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि अगर मान लो ये तीन एडसेट आपने लगा रखे हैं, इन तीनों एडसेट में अगर जो ऑडियंस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मान लो कि ये वाला जो एडसेट है एडसेट वन, एडसेट वन की ऑडियंस है जो कि मान लो 20-30 मिलियन की है, ठीक है, एडसेट टू की ऑडियंस मान लो आपने 5 मिलियन रखी है और एडसेट वन की ऑडियंस भी आपने मान लो 4 या 5 मिलियन रखी है, तो ज़्यादा आप बजट एडसेट वन में फेसबुक पहले डालेगा क्योंकि एडसेट वन की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि फेसबुक ये चीज़ करता है, अगर आपकी किसी एडसेट की ऑडियंस इन कंपेरिजन बाकी दोनों एडसेट से काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी है, तो फेसबुक उधर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। तो ये होता है सीबीओ, यानी कि आप फेसबुक को अलाउ करते हो कि भाई आप अपने हिसाब से देखो, फेसबुक अपने हिसाब से देखता है कि कौन सा एडसेट है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब इसका फायदा ये होता है कि फेसबुक को ज़्यादा बेटर पता है कि भाई कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, तो फेसबुक उस पर ज़्यादा पैसे लगाता है और जो एडसेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है उसको फेसबुक छोड़ देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई एडसेट बजट में क्या होता है। एडसेट बजट में आप क्या होता है कि जैसे मान लो आप एडसेट बजट सिंपल होता है, आप यहाँ पर हर एडसेट पर एक बजट लगाते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर सीबीओ नहीं होता तो आप इस पर बजट दे देते इस एडसेट में, ठीक है, अगर ये सीबीओ नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप एक कैंपेन बनाते, कैंपेन के अंदर आप हेडसेट डालते, ठीक है, हेडसेट वन आप इसको बजट दे देते मान लो 400 रुपये का, ठीक है, आपने इसको बजट दे दिया 400 का, ठीक है। उसके बाद आपने हेडसेट टू क्रिएट किया, अब इसको भी आपको बजट देना पड़ेगा, मान लो इसको भी आपने 400 को दे दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हेडसेट भी 400 स्पेंड करेगा, ये हेडसेट भी 400 स्पेंड करेगा और यहाँ पर क्या हो रहा है 800 डिवाइड होगा इन तीनों में, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा ये हेडसेट भी 400, ये हेडसेट भी 400, ऐसे करेगा। तो सीबीओ और एडसेट बजट में ये डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि भाई फ़ायदा क्या है, मतलब कि किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। देखो जब आप टेस्टिंग फेज में होते हो, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, तो देखो मैंने टेस्टिंग की है सीबीओ से भी, और प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप चैनल पर देखोगे तो सारी टेस्टिंग मैंने सीबीओ से ही बता रखी है, क्योंकि मैं भी सीबीओ से ही टेस्टिंग करता हूँ, मगर ये एडसेट बजट से भी हमने टेस्टिंग शुरू करना की, क्योंकि अभी सीबीओ में होता क्या है कि कुछ एडसेट ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसे लग ही नहीं पाते ढंग से, मतलब कि फेसबुक उतना पैसे उस पर स्पेंड नहीं करता है। आप देखोगे कुछ एडसेट ऐसे होंगे जिसपे आप फेसबुक 500-600 रुपये स्पेंड कर चुका होता है, और कुछ एडसेट ऐसे होंगे उसी सीबीओ कैंपेन के अंदर जिसपे आप 5-6 रुपये 10 रुपये ऐसे स्पेंड हो रहे होते हैं। तो डिपेंड, ये फिर यहाँ पर दिक्कत क्या आती है सीबीओ में कि फुल पोटेंशियल एक एडसेट को नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें ये एडसेट में फेसबुक ने 400 रुपये लगा दिए, इसमें मान लो 300 लगा दिए, तो इस एडसेट को 100 रुपये मिला ना, अब हो सकता है 100 रुपये में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको इस एडसेट को हम फुल पोटेंशियल पे चलाएंगे, जैसे मान लो 400 का बजट दे दिया इस एडसेट को हमने, ठीक है, हम इसको फुल पोटेंशियल पे चलाएंगे, तो हो सकता है ये एडसेट हमारा अच्छा परफॉर्म करने लगे, ठीक है। तो टेस्टिंग फेज में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एडसेट बजट लगा सकते हो, यानी कि मान लो
आप 350 रुपये का एडसेट बजट लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या मेरा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप सीबीओ का जो मैंने टेस्टिंग स्ट्रेटजी बता रखी है जो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल भी हुई है, मतलब काफ़ी रिजल्ट आए हैं लोगों के, तो अगर आपको वो टेस्टिंग स्ट्रेटजी जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख लो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एडसेट बजट को यूज़ करोगे टेस्टिंग के लिए अगर आपको करना है तो, और जब आप स्केल कर रहे होगे या फिर जब आपको आपका विनिंग एडसेट मिल चुका होगा तो आप सीबीओ चलाना की, क्योंकि अभी मेरे को सीबीओ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए भी जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे ग्रुप में है अभी, उनके लिए भी सीबीओ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एडसेट बजट में काम करना, ठीक है, तो आप क्या करो, आप टेस्टिंग फेज में एडसेट बजट में काम करो, यानी कि टेस्टिंग में आप हर एडसेट को, जैसे मान लो आपने 3 एडसेट बनाए, तीनों एडसेट को आप 350 का बजट दे दो या 500 का बजट दे दो और चेक कर लो कि भाई आपका एडसेट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी जो टारगेटिंग है वो सही है या नहीं है। अगर टारगेटिंग सही नहीं होगी तो आपका एडसेट काम नहीं करेगा सही से, तो आप उस एडसेट को बंद कर दोगे। उसके बाद जो आपको विनिंग एडसेट मिल जाएगा आपका, फिर आप क्या करोगे, आप उसको सीबीओ में चालू कर दोगे, तो फिर वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा, यानी कि काफ़ी सही रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे वहाँ से। तो इस तरह से आप एडसेट बजट और सीबीओ बजट का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि टेस्टिंग में आप एडसेट बजट यूज़ कर लो, उसके बाद जब आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए तो आप सीबीओ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ये चीज़ टेस्ट करना शुरू की है, सीबीओ और एडसेट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, तो अभी का जो डेटा, फिलहाल का डेटा, वो ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, यानी कि टेस्टिंग में सीबीओ और एडसेट बजट में मैंने देखा तो ऑलमोस्ट अभी वो सेम है, यानी कि इतना कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। मगर हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने एडसेट को फुल पोटेंशियल पे चलाओ तो उसके लिए आप एडसेट बजट यूज़ करो टेस्टिंग फेज में, ठीक है। तो इस तरह से आप सीबीओ और एडसेट बजट में काम कर सकते हो। तो इसमें मैंने इस वीडियो में आपको बताया सीबीओ और एडसेट बजट में डिफरेंस क्या होता है और आपको इस्तेमाल क्या करना है, ठीक है। और नीचे लिंक दे रखा है फेसबुक ग्रुप का, ठीक है, फेसबुक ग्रुप का, उसको ज्वाइन करो, ठीक है, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए आप और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। 1000 होने वाले यार, करवाओ 1000 और फिर आते हैं लाइव आप लोगों के साथ और बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।